कहां पर, ये ऊपर में, यहां पर आप जाना, यहां पर प्रोफाइल पे जाके क्लिक करना। जब आप प्रोफाइल पे जाके क्लिक करोगे तो योगेश पाधोमे 6@ OKAxis, ये दोस्तों आपका यूपीआई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूपीआई आईडी पता करना है। अब मैं, चलिए मुझे यहाँ पे फोन पे से एड मनी करना है, तो अपना मैं फोन पे का यूपीआई आईडी में डाल देता हूँ @YBL। अब प्रोसेस पे क्लिक करूंगा मैं। देखिए दोस्तों, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन आ गया। अब मैं फोन पे क्लिक करूंगा। फोन पे क्लिक करने के बाद बैंक सिलेक्ट कर लूंगा, पे क्लिक करूंगा। और अब आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं अपना सीक्रेट कोड डाल रहा हूं, है ना। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली वो सामने में आ जाता है, बैक आ जाता है। आपको डायरेक्ट अपने से बैक नहीं करना है। कुछ लीडर क्या करते हैं कि पैसा काटा और अपने से बैक करते हैं, दोस्तों ये ऑटोमेटिकली बैक आ जाता है। अभी मेरे सर्विस वॉलेट में 204 रुपए रखा हुआ है। कुछ मिनट के बाद में दोस्तों आपको दिखाएगा कितना दिखाएगा, वहां पे 100 रुपए और यानी 304 रुपए दिखाएगा। ठीक है, अभी एड मनी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एड मनी करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ लीडर क्या करते हैं कि डायरेक्टली गूगल पे में जाते हैं या देते हैं, तो उनका उनको उनका जो सॉल्यूशन है मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, अब समय का अभाव है हमारे पास में। मैं नेक्स्ट लीडर को लेना चाहूंगा जी, नेक्स्ट लीडर को मैं लेना चाहूंगा, नंदलाल प्रजापति जी। आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, और आप अपने सवाल को रख सकते हैं। नंदलाल प्रजापति, इसका जवाब लेना चाहता हूं सर। मतलब इसमें बोलते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तो हम चला ही रहे हैं, इसमें हमको पैसा ट्रांजेक्शन हो ही जाता है। आपको कितना दिन हो गया बिजनेस ज्वाइन किए? जी अभी 3-4 दिन हो गया सर। तो रेगुलर अभी तो सर आपको जूम पे आने की जरूरत है ना जी। आप जूम पे आइए और पहले खुद इसका फायदा समझिए, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तो आप लोगों को जानकारी दे भी नहीं सकते। ठीक है ना, और यहाँ पे सवाल जवाब सेशन आ रहा है, हो रहा है। ठीक है जी, हाँ यदि आप अभी जी सर, मेरा ऑफलाइन सर मनोज है सर, मनोज साहू करते हैं। ओके पूछे जी, ठीक ठीक। अभी आपको रेगुलर जूम पे आना है और एक बार और अपने अपलाइन के थ्रू आप बिजनेस प्लान को दोबारा रीड करिए सर। आप गुड मॉर्निंग योगेश दुर्वे सर, जी कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग जी, कंटिन्यू सर, बलराम जी बात कर रहा हूँ। यस यस यस, लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है आपका। बैंक प्लेटिनम डायरेक्टर सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो सवाल जवाब से आप पूछ ही रहे मौका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इनकम क्या आया है। 19 रुपए लीडरशिप रॉयल्टी आई है साहब, मैं जानना चाहता हूँ कोई भी लीडर बताए कि क्या है, किस तरीके से आता है। सिल्वर को भी आई है, गोल्ड को भी आई है, प्लेटिनम को नहीं आई, डायमंड को नहीं आई। चेक करो 22 जनवरी को क्या इनकम आई, मुझे जानना चाहता हूँ सर, प्लीज कोई भी लीडर उत्तर दें। आप गोल्ड और प्लेटिनम मीटिंग में नहीं थे क्या? नहीं था मैं सर। मीटिंग आईडी नहीं पहुंची सर आपके पास? कब हुआ था मीटिंग मैं नहीं जानता, नहीं पता। मीटिंग में है मीटिंग में जवाब। चलिए गुरुदेव कंटिन्यू, आप जरूर बताइएगा लीडर इनकम क्या है। स्वागत है आपका। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरे क्वेश्चन को ही नहीं समझे आप। मैं समझ गया सर आपका क्वेश्चन, में कि नहीं इनकम को मैं बुला रहा हूँ कि स्वागत है करके, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप बलराम का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे सर, आप आए और सर के सवालों का जवाब जरूर दे। प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर राहुल, राहुल सर है हमारे बीच में सर। चलिए हम दे देते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो इनकम है सर, ये बहुत बड़ा धमाका है। धमाका क्या है जी? कि आप
टेक कंपनी में जितने भी न्यू प्रोडक्ट हैं, यानी कि प्रोडक्ट में आपको ये ई बुक और टाई छोड़ के आप कोई भी प्रोडक्ट अपने टीम में है ना परचेज करवाते हैं, ऑर्डर करवाते हैं, तो कंपनी उस प्रोडक्ट में से अलग 100 रुपए निकालती है और निकाल करके जितने भी हमारे 5 रैंक है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड, ये 3 रैंक में उस प्रोडक्ट के ऑर्डर करने से 20 रुपए 5 लेवल तक बच जाते हैं। यानी कि ये लीडर को एक अलग से मेहनत करने का अलग से इनकम दिया जा रहा है, जो लीडर मेहनत कर रहा है उसके मेहनत का पैसा कंपनी और अलग से दे रही है। अगर आप सोच के देखो कि अपने टीम में मात्र 5 प्रोडक्ट के भी पर डे का ऑर्डर कराते हैं तो आपको वो रेफरल तो आ ही रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, रेफरल तो आ ही रहा है, रेफरल के साथ साथ एक्स्ट्रा आपको जो आप गए हैं है ना उसको समझाए हैं, उसको बताए हैं, उस मेहनत का अलग से आपको 20 रुपए कंपनी प्रोवाइड करवाती है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यस सर, यस सर। आप हाँ, अब जैसे मैं हूँ डायमंड, और डायमंड आज मैंने कोई व्यक्ति को डायरेक्ट लगाया, ध्यान दीजिएगा, आज मैंने कोई व्यक्ति का डायरेक्ट लगाया, वो भी प्रेस डायरेक्ट है, क्या है, प्रेस डायरेक्ट है, और मैंने ई बुक और टाई से ना करवा के हमने विक्टबेरी से करा दिया है ना, एक गोलबैग खरीदवा दिया, या कि हमने ब्लेजर खरीदवा दिया, या कि 500 बीबी का कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड टाई और ई बुक छोड़ के ध्यान दीजिएगा है ना। तो अब हमें क्योंकि हमारे उस लेग पे ना ही कोई ब्रॉन्ज है, ना ही कोई सिल्वर है, ना ही कोई गोल्ड है, ना ही कोई प्लैटिनम है, तो वो 100 रुपया डायरेक्ट हमें आ जाए, हमें आ जाएगा, हमें आ जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। सर मजा आ गया सर। यस सर। गुरुदेव मैं यहाँ पे इसे के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहूंगा, क्या आज्ञा है गुरुदेव? जी ये यही तो सवाल जवाब सेशन होता है कि क्वेश्चनों के उत्तर खुद ही पूछे जाते हैं। लीडर पूछता है कि यूटेक में कितना इनकम, कितने प्रकार का इनकम आ रहा है, कोई भी लीडर बताएं। यूटेक कितने ब्रांड के साथ काम कर रहा है, कोई भी लीडर बताएं। सवाल जवाब सेशन यही तो होता है, जो जानकारी वहीं से तो मिलती है। नए नए लोगों को उनसे ले रहे हो, कल ज्वाइन किया वो पता नहीं क्या पूछा, कोई प्रॉब्लम और पूछने लग जाएगा, मेरा रिचार्ज फंस गया। सवाल जवाब सेशन यही तो होते हैं आपस में। मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, मैंने ये पूछा, गलत है, मैं राइट? हेलो हाँ पूछो। ओके और वेरी मच, पूछेंगे सवाल और जवाब। अरे पूछो पूछो मेरे फौजी भाइयों, पूछो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लीडरशिप जो इनकम आ रहा है सर, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बैन मतलब बैन किए गए हैं एकमात्र तरीके से कि उसको उसके ऊपर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम सिर्फ प्रोडक्ट बाउंडेशन कर रहे हैं लोगों को, सर आप प्रोडक्ट बेचो 590 या टाई के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ये क्यों ऐसा क्यों किया गया है, इसका मैं रीजन जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हमारा एक प्रोडक्ट है, क्या ई बुक टाई हमारा प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीच में सर बीच में ऑफर भी आया था उदयपुर का, वहां पे भी बोला गया था कि सर 590 और टाई के ऊपर वो ऑफर मान्य नहीं है, यानी कि वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। फिर इसका ये सवाल पैदा होता है कि इस ये जो दो प्रोडक्ट है वो मनी सर्कुलेशन में आते हैं सर, सही है सर? मुझे ये सवाल पूछे गए मार्केट से कि इसके ऊपर अगर आपको लीडरशिप जो इनकम आपको दिया जा रहा है वो अगर आपको नहीं मिल रहा है इन दो प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, और इसका रीजन जानना चाहते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, क्या गजब का सवाल मान, सीधा चित्त कर दी। थैंक यू वेरी मच, और ये बहुत ही यूनिक बहुत ही शानदार सवाल रहा आपका, और इसका जवाब मैं आपको दे दूं। देखिए सर, ये भी दोनों प्रोडक्ट हैं, इनका भी कंपनी जीएसटी पे करती है ना, आपको
बिल भी देती है, लेकिन इन दो प्रोडक्टों में गुरुदेव आपको पता है कि हमारी कंपनी जो बीवी रखी है वो बीवी इतना रखी है कि इसमें जो कॉस्ट है हमारा है कि नहीं, जैसे हमने 590 का अगर ई बुक खरीदते हैं तो 90 रुपए तो गवर्नमेंट को देते थे, बाकी हम 500 रुपया तो रेफर पे बांट देते हैं, जब कुछ एक्स्ट्रा आएगा तभी तो हम बांट पाएंगे, जब मेरे पास बचा ही नहीं तो मैं एक्स्ट्रा इस प्रोडक्ट में कहां दे पाऊं। यहाँ से सिर्फ एक और सवाल पैदा होता है कि सर वो जो प्रोडक्ट पे आप दे रहे हैं वहां पे आप मार्केट रेट से ज्यादा पैसा ले रहे हैं इसलिए बांट रहे, ये भी सवाल पैदा होता है सर। जाहिर सी बात है भाई, देखिए इसलिए एक तो यहाँ पर ये भी चीजें रियलाइज किया गया मार्केट पे, जाहिर सी बात है कि उस ब्रांड का लीडर के ब्रांड का पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लग रहा है, क्योंकि हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को भाई आप देखो जो ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट है सर, क्या लगता है कि जो कोस्ट में कंपनी में बना वही कोस्ट में तो आपको दिया नहीं जा रहा है भाई, वो भी तो अपना कोस्ट निकाल रहा है, जितने सेलिब्रिटी हैं जिनके द्वारा वो प्रचार करवा रहा है उसको भी तो पैसा दे रहा है, उसका भी तो पैसा उसके में, उसमें कैलकुलेशन है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा वो कैलकुलेट किया है, जो मार्केट का ही प्रोडक्ट है मैं उसी पे बात करता हूँ, तो उसका भी तो उसने कैलकुलेशन किया है जिससे उसने ब्रांड यानी कि प्रचार करवाया है, है? और उसमें उसका भी तो पैसा मेंशन होगा जो उसके स्टेट वाला होगा, जो सिटी वाला होगा, जो तहसील वाला होता है, उसने उसके बाद ही तो मार्केट में सेल किया है, अब उसके ब्रांड का पैसा वो उतना है, हम अपने ब्रांड का पैसा इतना लगाएं, बस फर्क इतनी सी है। कोस्ट अधिकारी समझ में आया क्या? Yes, sir, अगर yes, वो नहीं लगाता हूँ, वो फैक्ट्री से जितने का बना जितना मैन्युफैक्चर है अगर वही मार्केट में बेच रहा हो तो ये बात गलत है फिर जो हम आपको दर्शा रहे हैं, लेकिन अगर वो अपना ब्रांड उनका सबका कैलकुलेशन मार्जिन निकाल के अगर मार्केट में वो बेच रहा है तो हमारा प्रोडक्ट है, हम अपनी मर्जी से अपने ब्रांड का बेच रहे हैं तो कम ज्यादा होगा, आपकी भाई प्रॉपर्टी है, आप चाहे जितने में चाहेंगे उतने में बेचेंगे, तो हमें अपने ब्रांड को इतने पे बेचना है, बात समझ में आई? तो बोलिए हाँ, उनका उतने में हो रहा है, हमारा इतने में मैनेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उस मालिक को किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है, हमारे मालिक को हमारे में पार्टनर बहुत सारे हैं जो सभी को देना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल का जवाब बढ़िया से मिल गया, संतुष्ट होंगे राइट जी गुरुदेव। लेकिन इसके साथ में सर ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा ई बुक का प्रोडक्ट है और टाई का प्रोडक्ट है वहां पे 100 रुपए ना निकाले 10 ही रुपए निकाले और वहां पे 1-1 रुपए बांटे ताकि ये ना मार्केट में रहे हो ना कि सर सम्मानित सर ये है सर गुरुदेव, मेरा एक और सवाल है इसके रिगार्डिंग, आने वाले समय में ऐसा ना हो सर कि ये 590 का ई बुक हट जाए और हमारा जो बेसिक है, क्योंकि ये पहले से बताया जा रहा है कि 590 का प्लान चेंज नहीं होगा जी। यस यस सर के द्वारा ये सीना के बोलता है और जब से ज्वाइन किया तब से अभी तक और आगे भी ये बोला जा रहा है यू टैग में 590 का प्लान है और रहा है ये लाइफ स्टाइल सीना ठोक के महेशपाल सीएमडी के तरफ से बोल रहा है। जाहिर बात है गुरुदेव कोई भी चीटिंग नहीं होगी उसकी फुल गारंटी है। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर इस 590 के प्रोडक्ट में भी लीडरशिप इनकम मिलनी चाहिए गुरुदेव, ये अगर उस प्रोडक्ट में ये जो इनकम हमें बढ़ाई जा रही है वो नहीं मिलती है तो उस प्रोडक्ट में मैंने खराब हो जाते हैं, लेवल डाउन हो जाता है सर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव, देखिए कंपनी ये आपके ऊपर आज भी थोप नहीं रही है कि आपको ये खरीदने ही खरीदने, ये गुरुदेव अगर इनकम लेना है तो ये लालच वाला काम हो रहा है ना सर, इनकम लेना है तो प्रोडक्ट बेचो। अरे तो भैया देखिए सर ये अपनी अपनी काबिलियत और अपने अपने है ना, इसमें काबिलियत का कहाँ पे आ गया गुरुदेव, आता है पर क्यों नहीं आता है? देखिए एक ही ब्रांड जैसे स्कूटी कई ब्रांड की आती है, चलो ठीक है बात का एक ही मकसद था, मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं पसंद करता हूँ सर, जो हमारे प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट है
अगर लीडरशिप इनकम आ रही है तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर आनी चाहिए गुरुदेव, क्योंकि आप एक डायमंड लीडर है और ये सजेस्ट आप कर सकते हैं सर, है ना सर? तो थैंक यू वेरी मच सर। गुरुदेव ये भी बातें आपको माननी चाहिए। गुरुदेव बिल्कुल मान रहे हैं सर, बिल्कुल बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मान रहा हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि अगर 500 ये प्लान है गुरुदेव, और आपने बिल्कुल सर सही कहा सर, 500 बिजनेस वैल्यू का जो हमारा ईबुक है, 690 का जो टाई है, उसमें पूरा पैसा बैटरी कैलकुलेटेड के हिसाब से पैसा बच नहीं रहा है ना? तो वहां पे बचाने की कोशिश करें सर, और उसमें से भी क्योंकि हर प्रोडक्ट हमारा वैल्यूएबल है, जैसे ईबुक है, है ना सर? हेमंत सर, हाँ जी जी, नेक्स्ट सवाल लिया जाए। हाँ सर, हम सर बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, प्लीज क्योंकि ई बुक सेट दोबारा नहीं परचेज कर सकते यार, वो 500 उस पर रीपर्चेज इनकम तो और प्रोडक्टों पे है। आपका सवाल समझ रहा हूँ मैं, समझ गया हूँ, समय ना लें, बता देंगे आप। नेक्स्ट सवाल लिया जाए किसी और लीडर का, योगेश धुर्वे सर। ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में एंड्राइज हुआ है कमल सिंह मर्सपोले सर, स्वागत है आपका, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना सवाल रख सकते हैं सर, कमल सिंह मर्सपोले। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और लीडर है, ब्रांड डायरेक्टर लक्ष्मू, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपने सवाल को रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में एक लीडर है साहबुद्दीन अंसारी सर, जी सर नमस्कार, आपने भी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर, यूटेक में वो हम इंस्टेंट पान कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं सर, वो रियल जेन्युइन पान कार्ड होगा ना, फेक पान कार्ड होगा सर? रियल पैन कार्ड है, उसको यूटेक नहीं बनाती सर, ध्यान दीजिए, क्या बनता है यूटेक के थ्रू है, लेकिन उसको यूटेक नहीं बनाती, उसको इनकम टैक्स का वेबसाइट ही ओपन होता है सर वहाँ पे। जी सर, वो पान कार्ड बनने से वहाँ सिग्नेचर नहीं आ रहा है सर, उसी में पैन कार्ड आपको समझना है, ई पैन कार्ड और फिजिकल पैन कार्ड। ई पैन कार्ड का मतलब होता है कि वो टोटल डिजिटली बन के आता है सर, ठीक है ना, उसमें ना तो पितृ का नाम रहेगा ना, जी सर जी रहेगा, जी सर टोटल फ्री बनता है, जी सर। और यदि आपको सिग्नेचर वाला बनवाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को ₹107 पेमेंट करना होता है। जी सर जी, वो गलत, वो भी चलेगा सर, जो सिग्नेचर नहीं आ रहा है उसी पैन कार्ड, आने वाले टाइम पे तो सर यही पैन कार्ड चलेगा, क्योंकि टोटल ऑनलाइन हो चुका है, भारत डिजिटल हो चुका है, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि कहीं कहीं ना ले, क्योंकि देखो हमें तो पैन कार्ड नंबर से मतलब है, ठीक है ना, जी पैन सर, का मतलब ही क्या होगा, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर सर, नंबर ही मतलब, नंबर से मतलब है ना। तो यूटेक नहीं प्रोवाइड कर रही है उसको, इनकम टैक्स ही प्रोवाइड कर रही है पैन कार्ड नंबर, हमारी यूटेक नहीं बना रही उसको, ठीक है ना जी सर जी। वो गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स साइड है ना, वहीं से बन के आता है, ठीक है जी सर। ओके नेक्स्ट हमारे बीच में साहबुद्दीन अंसारी सर, आपका माइक कन्म्यूट है सर, आप अपने सवाल को रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सवाल तो मेरे पास नहीं आता है, जैसे हम जाते हैं फील्ड में तो लोगों को बोलते हैं कि इन्हें अच्छा चीज है, तो तुरंत वो अपना काम करते हैं, सवाल मेरे पास नहीं आता है। बहुत बढ़िया सर, ओके थैंक यू वेरी मच। और कुछ, और कोई सवाल है सर आपके पास में? ओके नेक्स्ट हमारे बीच में शिवपाल सिंह सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और लीडर का एड्रेस है विजय कुमार विश्वकर्मा सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। विजय कुमार विश्वकर्मा जी, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? नेक्स्ट वर्षा यादव मैम, आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपने माइक अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं, वर्षा यादव। उपेंद्र राय सर, आपके पास में भी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपने माइक अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। ओके स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ₹239 का एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे शो होता है 24 दिन 1 GB, और अदर प्लेटफॉर्म पे अगर वो
सर्च किया जाता है तो 1.5 GB 28 दिनों के लिए होता है, तो ये अंतर क्यों है सर, एक जैसा क्यों नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है सम्मानी डायमंड सर, आपका स्वागत है गुरुदेव। सामान्य डायमंड सर या कोई भी को-होस्ट पार्टनर, 24 दिन का जो आपका शो कर रहा है सर वो होता 28 दिन का ही है, इससे आप निश्चित रहे हैं ना? जी सामान्य डायमंड सर, मैं इस बात से सहमत हूँ जो होता 28 दिन का है क्योंकि मैंने किया है, लेकिन जो दिखता है उस पे भरोसा होता है सर। हम किसी भी नए पार्टिसिपेंट को बताते हैं जो 24 राय देगा 28 वो भरोसा नहीं करता है सर। आज अपडेट करने के लिए बोला गया है वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस मेरी समस्या यही है कि मेरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस कारण से डीमोटिवेट हो गए हैं, जो यहाँ लिखता है और देता है कि नहीं देता है। उनका कहना यह है कि यहाँ जब लिख रहा है 24 दिन, अगर नहीं देगा 28 दिन तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 24 दिन। 28 दिन लिख के अगर 24 दिन देगा तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 24 दिन लिख के अगर 24 दिन देगा तो हम किसको कंप्लेन करेंगे सर? अपडेट हो जाएगा सर, बोल दिया जो है। जी सर, बस इसको अपडेट करवा दिया जाए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में है संजय वंजारी। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपने सवाल को रख सकते हैं। हैंड डाउन हो गया। जितेंद्र रावत सर आपके पास में भी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। स्वागत है जितेंद्र रावत सर। सिल्वर डायरेक्टर अनु कुमार यादव सर आपके पास में भी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, सर आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। स्वागत है अनु कुमार यादव सर। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सर मेरा नाम अनु कुमार हुआ, वैशाली बिहार से मैं बोल रहा हूँ। हमारे ऑफलाइन सर का नाम बोल डायरेक्टर मुकेश कुमार शाह सर हुए और प्लेटिनम डायरेक्टर राहुल गुप्ता सर। सर मैं, मेरा ये सवाल था कि मैं डिजिटली पैन कार्ड यहाँ से बनाया था, मेरा लाउड क्लियर है ना सर? हाँ यस 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 कंटिन्यू। तो पैन कार्ड मैं डिजिटली वो बनाया था, तो उसमें सर वो तो आता नहीं है ये हमको पता है, बट हाँ उसका जो सर है कि हम उपयोग किए हैं तो प्रॉपरली उपयोग होता है, लेकिन हम उसको फिर से बनवाना चाहे तो कैसे बनेगा सर? अपने यहाँ तो बन जाएगा। देखिए पैन कार्ड तो पहले मैं बता दो सर, टाइम ही बनता है कितना वन टाइम है ना। अगर आप उसको जाके है ना, आप ये चाह रहे हैं कि उसमें आपके पिताजी का भी नाम आए, आपका सिग्नेचर आए, है ना जी। डिजिटली इस पर होना अपने का लड़का लोग कर लेता है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो आपने यहाँ से स्टेट पैन कार्ड निकलवाए हैं अपने नजदीकी, कहाँ नजदीकी कंप्यूटर वाले जो पैन कार्ड वगैरह आपका करेक्शन कर ना, हम छोटा सा कोर्स कर लेंगे वहाँ 15-20 रुपया और वो करके दे देंगे। क्लियर? ओके थैंक यू वेरी मच। माइक उनका अनम्यूट हो चुका है सर। हाँ जी सर, वो तो कर सकते हैं ना कि मतलब जाके साइबर कैफे में दे देंगे तो उसका, सर हम पहली बार बनाए थे ना, मोबाइल का उतना नॉलेज नहीं था तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आप ऑनलाइन सेंटर में या साइबर कैफे में कहीं भी बन जाता है, ठीक है ना। और उस आईडी पर भी मेरा सर डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? नहीं, और अगर आप ठीक कराना चाहते हैं तो मेल कर देंगे सर, मेल कर देंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा। ओके थैंक यू सर, यही जानकारी चाहिए था। और पैन कार्ड वगैरह में कभी भी डेट ऑफ से मैटर नहीं करता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटो मोड पे लेता है जो आपके आधार कार्ड में होता है। पैन कार्ड नंबर बस आपका सही होना चाहिए। नहीं सर, नंबर सही है। हाँ बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू वेरी मच। हैंड सभी का डाउन कर दिए सर किसी ने। हाँ ठीक है ना, अब जो कर रहे हैं उनको लोगों से ले लीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच। अब हैंड राइज हो रहा है, नाम है अंग्रेज सिंह।
स्वागत है सर आपके पास में, अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। अंग्रेज सिंह सर, अंग्रेज के यहाँ कैसे आ गए भाई, यहाँ से अंग्रेज को खेत दिया गया है सबका। हाँ हाँ नहीं तो चले गए अंग्रेज लोग, कैसे आ गए, हैंड डाउन हो गया। विशाल चंद्रवंशी सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, स्वागत है आपका। आशीष जी सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आपने बताया कि अभी वो सर अभी पहले उन्होंने कहा है पार्सल हम जो ऑर्डर करते हैं तो अभी बुक पे यानी कि जो भी प्रॉफिट मिलता था वो कैंसिल हो गया है, तो सर हम लोगों ने ऑर्डर तो बुक हम लोगों ने मंगाई है वो वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है सर, तो सर अब जब उसपे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं सर उसपे, ये बताइए हमें। क्वेश्चन समझ में आया योगेश सर? नहीं समझ आया सर, कौन सी प्रॉफिट की बात कर रहे हो सर आप? सर जो अभी ये मानेंगे हम लोग जो बुक मंगाए थे ना उसपे जो भी कुछ प्रॉफिट बता रहे थे ना, तो वो प्रॉफिट अगर कैंसिल कर दिया गया है तो फिर सर हम लोगों ने तो वो बुक मंगा लिया है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है ना, वो हमारे किसी काम के नहीं है वो बुक, अगर उसकी जगह अगर कोई सामान दूसरा प्रोडक्ट दिया होता तो वो तो ठीक है। उस बुक को आप रीड किए हो सर? हाँ सर हम लोगों ने मंगाया सर, दो मेंबर ने मंगाया हमारे जो हमारे सवाल नहीं कर रहे हो सर, आप उस बुक को कितने बार रीड किए हो? अभी सेकंड फर्स्ट है और मेरा जो सीनियर है उन्होंने भी मंगाया है सर। मैं मंगाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, क्या आपने उस बुक को रीड किया जो ई बुक कंपनी ने दिया है आपको, है ना, उस बुक को आपने कितने बार रीड किया है? मतलब सर हिंदी में समझाइए सर, आपने पढ़ा कितनी बार है, ये पूछ रहे हैं वो, रीड मतलब कह रहे हैं कि आपने उस बुक को पढ़ा कितनी बार है? सर अभी तक पढ़ा नहीं है ना, पढ़ो एक बार पढ़ो आप उसको, उसके बाद उसकी कीमत पता चलेगी आपको, है ना। वो मिलती कहाँ है वो भी बता दो, मिली नहीं है। इनको अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो आपके पास फिजिकल नहीं आएगी, यानी आपको भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होगी, यहाँ डिजिटल ही वो आपको दिखेगी, और वो ऑप्शन जो दिखता है नीचे मोर, मोर के ऊपर जैसे मोर को क्लिक करोगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन आता है ई बुक, उसको टच करोगे तो वहाँ आपको ये पांचों बुक दिख जाएगी। ओके धन्यवाद विनय सर, क्या है लोग पढ़ते नहीं है और जब तक पढ़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक उसका कीमत समझ में नहीं आएगा, जबकि कितना बढ़िया चीज वहां पे लिखा हुआ है। मेरे कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं जिनको मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है और लोग उसका पीडीएफ अपने पास निकलवा के रखे हैं, उसको पढ़ने पे समझ में आएगा उसकी कीमत क्या है। ठीक है बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, और समय ऑलरेडी हो चुका है गुरुदेव, मैं आज सभी लोगों को नहीं ले पाऊंगा, कुछ लीडर है जिनको मैं लेना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हमारे बीच में है ब्रॉन्ज देवा विश्वास सर आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर, ब्रांड डायरेक्टर देवा विश्वास जी स्वागत है सर आपका। सभी गुरु के नमस्कार जी, तो आवे लकड़ी ग्लैड मार जी नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार फतेहपुर, मेरे ग्रेट ऑफलाइन सर आप गुप्ता प्लैटिनम पे सवाल है सर, जिससे आप लोग प्लान की जूम में लड़ा रहा है लोगों का एसोसिएट सर, आवाज कंटिन्यू जैसे कोई जी जी हेलो सर ठीक है का, और यहाँ पर हम लोगों ने प्लानिंग करते हैं सीएमडी सर के साथ और हमेशा हर चीज फिट, यानी कि हम कैसे दे पाए डिस्ट्रीब्यूटरों को, है ना, मार्केट में अलग आखिर सबसे बेहतरीन सिस्टम कैसे बना पाए, हमेशा उस पर प्लानिंग होती रहती है। आइए लेके चलते हैं उस प्लानिंग के ऊपर, आज आप सबके आशीर्वाद से आप सबकी मेहनत से लेके चलेंगे ये एप्लीकेशन की ओर, और थोड़ा सा अपनी नजर बनाए रखो यार, जिस एप्लीकेशन में आप एफर्ट नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, वह चल रहा है, मजबूरी में आपने आईडी लगा लिए हैं, है ना, मजबूरी में अगर आप आईडी लगा लिए हैं तो उसके कहने से लगा लिए है ना, आप सब अपने काम में बिजी है और इस पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो देखो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको आईडी के माध्यम से हम रिकाइज कराना चाहेंगे तो क्या आपका ध्यान और आपकी आंखें
आपके मोबाइल स्क्रीन पे है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मंदिर का पट खोलिए, मंदिर का पट खोलिए, दर्शन के लिए बैठे हैं सब अतिथिगण और भक्तगण। पूरे भारत से साहब, जहां तक आपकी सोच नहीं जाती, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बारे में लोग सोचता तक नहीं, उतना परिवार तो यहाँ एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के हो गए। देखिए साहब, 4,35,669 एक इंसान है जो नेटवर्क बनाया जा रहा है, डायरेक्ट लगाया जा रहा है कि नहीं? और दुनियादारी अपने आंखों में क्या है, दोनों में पट्टी बांधे है, एक ही चीज दिख रहा है, लोगों की सफलता और उनको वो सफलता दिलाए जा रहे हैं, है ना? और ये देखिए जनसंख्या बढ़ी जा रही, ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये दोस्तों यूटेक के एक्टिव लीडर के माध्यम से हो रहा है, जो आज यहाँ कमांडो लीडर आते हैं, सुबह सुबह ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं, बताते हैं, उनकी वजह से हो रहा है। आइए अगर बात करूं एक्टिव मेंबर तकरीबन 1,00,000, तो किसको पसंद नहीं आया भाई? एक ये कोई चीटर फिर से इधर उधर कर रहा है, इसको रिमूव कर दीजिए, उसके यहाँ से चीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, मिटाने से कोई को किसी का नाम नहीं मिटता, उसको पता नहीं है नाम क्या है। ये रेत में बनाया गया है। अरे रेत में बनाया गया नेटवर्क नहीं है साहब, जो आपके मिटाने से मिट जाएगा, ये खून से लिखा गया नेटवर्क है, तो ये युगों युगों तक चलेगा साहब, युगों युगों तक चलेगा। आइए लिख सकता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा है? एक लहर आएगी, सब कुछ मिटा जाएगी। सर इसको थोड़ा रिमूव कर दीजिए, बार बार चाहिए अपना वो दिखा रहा करता। हो गया, करने दो, अभी अब नहीं कर सकते हैं, हम पेंसिल ही ओपन नहीं। आज की तकिन कमाई 24 रहना जरूरी है। वाओ, दुनिया के छात्र के लिए दिखा दीजिए। मैंने कहा था कि कल ही 6,00,000 पूरा हो जाएगा, तो हो गया था, आपको हमको पता हो गया था। वो तो मैं कैलकुलेशन कर लिया था, 14,000 से 15,000 रुपए रोज आते हैं, आपको तो पता था। कल 8,000 वेरी नाइस सर, छा गए आप, पूरा छा गए सर, छा गए मोदी की तरह छा गए सर, फिर पूरे विश्व में है, बाउंड्री से पूरा बाहर गया है। क्या अच्छा पार हो गया है, अभी भी 7 दिन बाकी है सर। 7 दिन बाकी है, अभी ये 25 का महीना है ना, जनवरी में नए साल में इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी इनकम, 7,00,000 पार। हमको लगता है इसी 2024 में नहीं ज्यादा, 2024 में जहाँ कोहिनूर अगर बने अपन लास्ट तक, तो ये इनकम जहाँ तक है 15,00,000 तक जाएगी। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी सर। आप लोगों का है, आप लोगों की जो जुनून है वाकई में वहाँ तक पहुँचाएगा, क्योंकि जिस दिन आप अगर 5-5, 10-10 लाख कमाने लगे तो फिर तो अपन पहुंच ही जाएंगे। बस हमारा मकसद ये है कि मैं आपको 5-6 लाख तक कैसे लेके जाऊं, उसी पे रात दिन प्लानिंग चलती रहती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं राइट टाइम 6:55 में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। जितने भी हमारे होस्ट अधिकारी है, एक बार आए, गोला बनाए, जयकारा लगाए, फिर चलते हैं अपना अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने। युद्ध शुरू, जंग छिड़ चुकी है, गरीबी की और अमीरी की, और इस गरीबी से जीतना है, निजात पाना है, इतनी मेहनत करना है,
तो हर हर यूटेक, हर 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 यूटेक, डायमंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, दिल से आभार। पूरी भारत में पहुंचनी चाहिए, ब्रह्मांड तक आपकी जानी चाहिए, मजबूर हो जाएंगे सर आपकी भक्ति पे, आपकी मेहनत पे दुनिया आएगी, ईश्वर भी घुटने टेकेंगे यार, जो हमारी आपकी मेहनत है वो देख करके, और बहुत सारी खुशियां आपको प्रदान की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जय जय।